మన రాష్ట్ర ఇన్‌చార్జ్ ఏఐసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్‌చార్జ్ పెద్దలు మాణికరావు ఠాక్రే గారి వారి అమూల్యమైన సందేశాన్ని వాళ్ళకి కోరుతా ఉన్నాం అందరూ కూర్చోండి 10 నిమిషాలలో అయితే పెద్ద సార్ మాట్లాడాక నేను మాట్లాడతా 10 నిమిషాలు ఆగండి మొదట 10 నిమిషాలు కబటాలి 10 నిమిషాలు हमारे एसीसी जनरल सेक्रेटरी राष्ट्र इंचार्ज माणिकराव ठाकरे गारु वारे अमूल्यमैन संदेशानि वाल्चिनगा कोरता उन्नाम तेलंगाणा के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी सीएलपी लीडर भट्टी जी जिन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और सभी क्षेत्र का विकास किया जगन्नाथ रेड्डी जी मल्लू जी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे साथी चौधरी जी जावेद जी और सभी मंच पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के नेतागण और मेरे भाइयों बहनों और साथियों जो यहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार अन्याय हुआ जिस तरीके से ये सरकार हमारे गरीबों के ऊपर आदिवासी दलितों के ऊपर ओबीसी के ऊपर जिस तरीके से अन्याय कर रही है इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और सभी हमारे कांग्रेस के नेता हमारे जो भाई है वाल्मीकि जी रहो राम जी असो उनके साथ खड़े होने के लिए यहां सभी कांग्रेस पार्टी मौजूद है और हमारे सोनिया जी गांधी ने इस राज्य को बनाया है तेलंगाना को बनाया है जिस उद्देश्य से बनाया था कि तेलंगाना के सभी हमारे भाइयों का विकास होना चाहिए गरीबों को साथ मिलना चाहिए जो हमारे आदिवासी मागास वर्गीय है ओबीसी है उनके पीछे सभी ने खड़ा होना चाहिए ये सोचकर तेलंगाना बनाया था लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो सरकार अन्याय अत्याचार कर रही है लोगों के ऊपर जबरदस्ती कर रही है मैं रास्ते से आके देख रहा था जो हमारे वाला नायक जी है उनके छाती पर पैर रखकर उनको रोंदने की उनको मारने की कोशिश इस सरकार की तरफ से इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई है बीजेपी के कार्यकर्ता रहो इस सरकार के वहां पे एमएलए उनके कार्यकर्ता रहो ये यहां पे डर फैलाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस पक्ष पार्टी की नीति है कि डर को कभी घबराना नहीं राहुल जी गांधी यहां से गए थे उन्होंने कहा था कि डरना नहीं कांग्रेस पार्टी आपके पीछे खड़ी है और वही आज यहां पे दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जो हमारे अध्यक्ष है जो हमारे सब लीडर्स हैं जो एक्स मिनिस्टर होंगे एक्स एमएलए होंगे जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो सब हमारे जगन्नाथ जी रेड्डी साहब होंगे आपके पीछे मजबूती से खड़े हैं कि वो कांग्रेस की नीति है कि गरीब आदमी के साथ जब भी जो समाज है उनके साथ खड़ा होने की जो भूमिका है वो यहां लेकर सभी हमारे नेतागण आए हैं और इसके आगे भी इस तरीके से कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश इस सरकार की तरफ से उन सरकार के पार्टी की तरफ से होगी तो इससे बहुत बड़ा आंदोलन हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे आंदोलन यहां पे तेलंगाना में छेड़ेगी ये मैं यहां बताना देना चाहता हूं मैं कुछ ही दिन पहले आया लेकिन अभी थोड़ी देर में हमारे अध्यक्ष जो आप चाहते हैं कि उन्होंने आपके सामने बात करना चाहिए वो आएंगे लेकिन वो जो कहेंगे
वो सभी ने आगे चलकर उनका साथ देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए। यही मैं यहां पर कहूंगा। आपको सबको धन्यवाद देते हुए मेरे दो शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद। इपड़ो टीपीसीसी अध्यक्ष डेर डायनेमिक यंग पेदलो।